वो ऐसे हाँ करेगा। ऐसे करेंगे। तो अभी ये क्या कर रहे हैं? एक बार डेमो बताता हूँ आपको स्टार्टिंग। ये सबसे पहले आप प्लग ऑन करेंगे ना, यहाँ पे ये लाइट ही जल जाएगी। जब आप माइक्रोवेव ऑन करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट मोड जो होगा माइक्रो होगा। अच्छा, माइक्रो हाँ मोड पे बाय चल रहा डिफॉल्ट है। माइक्रो का जो काम होता है हीटिंग और बॉइलिंग होता है। हीटिंग मतलब कुछ भी चीज़ गर्म करना, बॉइलिंग अच्छा, मतलब मैगी हो गया, दाल हो गया, स्टीम वाला कोई भी चीज़ बनोगे वो माइक्रो में बनेगा। ये स्टार्ट का बटन है, जब हम इसे प्रेस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट टाइम जो है वो 30 सेकंड लेगा स्टार्ट कर दीजिए। जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये 30 सेकंड्स बाय स्टार्टिंग डिफॉल्ट सबसे पहले इतना ही थर्टी लेगा। सेकंड लेगा। अच्छा, या स्टार्ट का आप जितने बार प्रेस करोगे टाइम 30-30 सेकंड ऐड होता जाएगा। सही है। अच्छा, ये 30-30 सेकंड डबल होगा। टाइम आप यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हो, और कम करना यहाँ हो से भी तो इंक्रीज ऐसे कर सकते ठीक हो, दोनों साइड ओके हो है। जाएगा। ये स्टॉप का बटन है, जब हम कुछ गर्म कर रहे हैं अगर चेक करना चाहते हो तो स्टॉप के बटन वन टाइम प्रेस करेंगे, टाइम आपका पॉज हो जाएगा, आप इसको चेक कर चेक सकते कर हो सकते हैं। हल्का गर्म हो गया होगा। इससे ज़्यादा गर्म चाहिए आप इसको दोबारा क्लोज करेंगे, अगेन स्टार्ट करेंगे तो री स्टार्ट वही होगा जहाँ से टाइमिंग आपको कैसे पॉज कैसे हो कैसे? रुको रुको रुको। उसी टाइम से आपका स्टार्ट होगा अच्छा, जैसे स्टार्टिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो उसी टाइम को कंटिन्यू कर देगा, अगर हम इसको कंटिन्यू दोबारा कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा वो। अच्छा स्टार्ट कीजिए उसी टाइम से स्टार्ट करेंगे। ओके। अब जैसे इसमें इडली का दे रखा है या मैं जैसे बाद में सांभर भी? बताऊंगा, हम हाँ लोग हाँ बाद भी। बताऊंगा। हाँ आप इसको आपका बिल्कुल बंद करना है आपको, इसको दोबारा दो बार प्रेस करेंगे ये टाइम आपका क्लियर हो जाएगा। ये माइक्रो मोड था, इस मोड में जो कंटेनर है बर्तन जो है आप दो यूज कर सकते हो, एक कांच की जो बॉल आती है, माइक्रो मोड पे। हाँ ये बोरोसिल बोलते हैं इसको, एक ये हाँ एक प्लास्टिक का जो टप्पर भी रहता है जो माइक्रोवेव सेफ होता है, जो हाँ आपके ये साइड में रहता है सिर्फ टप्पर नहीं होगा टपरेरा। वो और था ना, ये भी माइक्रोवेव सेफ है? अरे वो वाला था ना एक हाँ, ये भी माइक्रोवेव जो सेफ माइक्रोवेव सेफ होगा वो चलेगा कोई भी, अच्छा, तो वो जैसे कितने टाइमिंग तक चल जाता है? जो एक किट थी ना पूरी। तो ये तो छोटा है, इसको जी कितनी देर ये है ना, चलोगे? ये हाँ भी माइक्रोवेव ये माइक्रोवेव सेफ है, इसमें कितनी देर चलोगे? 1 से 1.5 मिनट बहुत है, 1 से 1.5 मिनट कोई भी सामान आपका आराम से गर्म अच्छा हो जाएगा, ठीक है। डिपेंड तो करता सीधा है वेट डायरेक्ट पे। यहाँ पे रख के कर हाँ सकते हो? हाँ उसके बाद दूसरा मोड आता है इसमें ग्रिल। ग्रिल होता है आपका रोस्टिंग के लिए, भूनने के लिए, कुछ भी चीज़ ऐसा भूनना हो, बैगन है, पनीर है, चिकन है, शैगन दिया है, वो आपको ग्रिल में होगा। तो ग्रिल में सबसे पहले आपको मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये मोड ग्रिल लिखा हुआ है, जैसे ये अभी हमने बंद कर दिया, ठीक यहाँ से आप ग्रिल प्रेस करोगे तो डिस्प्ले पे भी लिखा हो जाएगा ग्रिल, यहाँ पे आ हाँ जाएगा। ठीक है। ग्रिल में टाइम आपका स्टार्ट से नहीं आएगा, इसी से आएगा, इससे जो भी टाइम चाहिए आपको सेट अच्छा, करना यहाँ पे पड़ेगा। हमें स्टार्ट बनाने की जरूरत नहीं है पहले? हम रुको एक सेकंड, क्लिक करती हूँ। अगर जैसे मैंने पहले मान लो छोटी सी बच्ची, मैंने कुछ चीज़ बनाना है तो पहले मैं रख दूंगी इसमें, ठीक है? फिर मैं ग्रिल को सेलेक्ट करूंगी और फिर यहाँ से ये नहीं देना है, मुझे सीधे करना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेगा नहीं है। अच्छा, ये ले गई। अच्छा, और यहाँ से हमको टाइम, तो टाइम जैसे हमें मान लो कुछ बनाना है जैसे पनीर टिक्का ही ले लो, तो उसका हमें टाइम का क्या रहेगा अंदाज़ा टाइम जो कितना? ऑटो कुक में मैनुअली अगर आप बनाओगे तो आपको खुद ही टाइम आइडिया डालना पड़ेगा। आपको अच्छा राउंड फिगर बाहर से 15 मिनट लेते हैं पनीर टिक्का के लिए, हाँ, ठीक है? तो आप यहाँ से टाइम डालेंगे स्टार्ट करेंगे, तो ये जैसे 2 पॉइंट ये जो है कितना है? 2 मिनट। 2 मिनट 48 सेकंड अच्छा था, ये अच्छा लेस होता जाएगा। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है। और फिर यहाँ से इसको करने के बाद यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, हाँ टाइम डालने के बाद यहाँ से यहाँ स्टार्ट से करना है। स्टार्ट कर देंगे। अगर नहीं हुआ दोबारा भी आप टाइम बढ़ा सकते हो, जैसे आपको लग रहा है कि हाँ नहीं हुआ, हाँ जैसे फर्स्ट टाइम आप बना रहे हो 100 ग्राम या 200 ग्राम या 300 ग्राम है, आपने 10 या 12 मिनट का टाइम डाला है, आपने कच्चा रहेगा थोड़ी बहुत ये जो भी है, हाँ तो आप एक दोबारा ग्रिल सेलेक्ट करके टाइम डाल के फिर कर सकते हो आप। अच्छा, दोबारा ग्रिल सेलेक्ट करना पड़ेगा या इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं? अगर चलते हुए करोगे तो आप अगर उस हमने टाइम कर क्लियर सकते नहीं हो, किया तो हम इसको मतलब हाँ कंटिन्यू कर टाइम आप कर सकते हैं। सकते अगर हो। क्लियर कर दिया तो फिर हाँ ग्रिल जब में आप रखते हुए जीरो आ गया तो ऑप्शन माइक्रो में चला जाएगा, फिर दोबारा आपको ग्रिल सेलेक्ट ग्रिल करना फिर ऐसा पड़ेगा, फिर आपको अच्छा करना अच्छा पड़ेगा, ठीक है ठीक है? बंद करने के लिए सेम ही है, वन टाइम पॉज है, सेकंड टाइम क्लियर क्लियर है। है तो ये माइक्रो हो गया, ग्रिल हो गया। थर्ड मोड आता है इसमें कन्वेक्शन। कन्वेक्शन होता है आपका बेकिंग के लिए, केक है, बिस्किट है, पिज्जा है, ये बनाना हो तो कन्वेक्शन, ये कन्वेक्शन है। जब आप कन्वेक्शन प्रेस करोगे इसमें जो टेम्परेचर है बाय डिफॉल्ट 180 है, जो कंपनी ने सेट किया अच्छा, है 180 बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर है। जैसे हमने यहाँ पे सामान रख दिया उसके बाद हम कनेक्शन मोड पे करते हैं तो ये 180 नहीं ही सामान नहीं रहेगा? डाला मैं आपको बता रहा हूँ, पहले नहीं पहले आपने डाला? 180 टेम्परेचर सेट अच्छा, करना है प्री हीट में जाता है प्रीहीट के लिए। कन्वेक्शन में जैसे ना, हमें पिज्जा बनाना है या केक बनाना, तो पिज्जा के लिए लिखा होता है 180 या 190 या तो 200 प्री भी हीट पहले में। प्रीहीट करें, हाँ तो हमें टेम्परेचर यहाँ से सेट कर सकते हैं प्लस और माइनस। 230 लास्ट होगा इसका, अच्छा, 40 मिनिमम है, 180 बाय डिफॉल्ट है। जैसे हमने अभी हमें जैसे कुछ पिज्जा बनाना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम कन्वेक्शन मोड पे बनाएंगे उस हाँ चीज को, ठीक कन्वेक्शन है? भी बनेगा, तो और क्या क्या बन सकता है वैसे उस पे? बेकिंग कुछ भी कर सकते हो। बेकिंग कुछ भी कर सकते हैं। हाँ अच्छा, तो कन्वेक्शन मोड पे करके ये 180 स्टार्टिंग है, ठीक है? हम अगर इसको कम करना चाहें कम टेम्परेचर हाँ में तो कर ये हो सकते हैं। सकता है, ठीक है? फिर ये लेस होता चला जाएगा, फिर 40 तक ये लेस होगा आपका, अच्छा 40 40 से तक 40 लेस होगा, मिनिमम है फिर ये इसमें। बीप बोलेगा। बीप बोलेगा नहीं, वही बता रहा हूँ आपको, पहले हमने अच्छा टेम्परेचर से हमें पिज्जा बनाना है, सपोज हमने 190 टेम्परेचर सेट कर लिया इसका, हाँ ठीक है? और प्रीहीट के लिए जो इसका अंदर का स्पेस है ये वाला जो है ये हाँ हमें करना है 190। तो 190 के लिए इसके अंदर में कोई सामान नहीं डालना है, अच्छा आप हाँ, इसे मतलब क्लोज कुछ करेंगे, ये स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे स्टार्ट कर रहे हैं दो दो बार। बार प्रेस करना अच्छा है। अब यहाँ पे लिखा हो जाएगा प्री हीट,
अच्छा कन्वेक्शन मोड पे एक बार मैं क्लियर करना, जैसे मैं अभी यहाँ पे मैं बंद कर दूँ इसको, क्लियर यहाँ से कर सकते हैं? मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। मुझे सामान बनाना है, फिर केक बनाना है, ठीक है। तो पहले मैं कन्वेक्शन मोड पे करूँगी, जो मुझे टेम्परेचर सेट करना है टेम्परेचर सेट करूँगी कि 180 पे चाहिए जो भी मिनट है, पे जो भी कुछ है, ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट कर दो बार दूँ स्टार्ट इसको, करना। 2 बार करना पड़ेगा। अच्छा अभी ये आ प्रीहीट गया यहाँ से, प्री प्रीहीट का मतलब, ये जो हमने टेम्परेचर सेट किया था, जो अंदर का टेम्परेचर है वो मेंटेन होगा, पहले जो आपने टेम्परेचर सेट किया था वो। उस वहां तक। जैसे उसका अंदर का टेम्परेचर उतना हो जाएगा, इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ जो टेम्परेचर सेंस करता है, जैसे इसके अंदर का टेम्परेचर क्या कर रहा 190 है? अच्छा 190 हो जाएगा, इसमें से एक बीप की आवाज आने लगेगी कैसी कंटिन्यू, आएगी एक बार मुझे बता दो। वो वो जो बंद होता आपका टाइम आता है। अभी तो नहीं आएगी अच्छा आपको, अच्छा मैं बता देता हूँ किस टाइप की आएगी, देखते हैं जब बंद होगा ना तो एक आवाज आएगी, इस टाइप की आवाज आएगी, कंटिन्यू आती रहेगा। अभी तो एक बार दो बार गैप दे देते गएंगे, जब फ्री हो जाएगा ना तो कंटिन्यू आते रहेगा आवाज, इस टाइप के, अच्छा इस अच्छा टाइप की आवाज ठीक है कंटिन्यू आते ठीक है रहेगा ठीक है। आपका, इसका मतलब वो प्री हीट हो गया। प्रीहीट हो गया है फिर अभी हम, हमने प्री हीट करा है, प्री हाँ हीट के जैसे अभी आवाज आई थी वैसे आवाज आएगी। फिर आप इसको जो स्टॉप करोगे वो सिर्फ वन टाइम ही करना है, वन टाइम क्लियर अगर नहीं कर रही हाँ इसको, डबल कर ठीक दिया है। तो आपको माइक्रो में चला जाएगा, तो अच्छा वन टाइम आप इसको स्टॉप करेंगे, वन टाइम फिर जो स्टॉप, केक या पिज्जा जो भी बना रहे इसको हो वो रखेंगे। इसके अंदर डालना है। हाँ केक के लिए बोरोसिल यूज कर सकते ये हो जो या एल्यूमिनियम यूज कर सकते हो, प्लास्टिक नहीं होगा। एल्यूमिनियम, अच्छा हाँ ठीक है, टिन जो आती है ना, हाँ ठीक है। अंदर डालेंगे, फिर आप इसको यहाँ से टाइम डालना है, अच्छा कितने 5 मिनट, मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी टाइम चाहिए आपको, आप हाँ। यहाँ से इसको टाइम डालेंगे, फिर आप इसको स्टार्ट करेंगे, बेकिंग स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा यहाँ से टाइम डाल के और फिर स्टार्ट कर देंगे, हुँ। ठीक है। बंद करने के लिए वही सेम ही है, वन टाइम पहुंचा, सेकंड टाइम क्लियर क्लियर हो है। जाएगा। ये हो गया माइक्रो, हो गया ग्रिल, हो गया कन्वेक्शन, हो गया तीनों हो गया। अब इसके साथ एक व्हाइट कलर की बुक आई होगी, जो मैनुअल बुक होगा, मोटे वाले एक मैनुअल, लेंगे हाँ उसमें है, तो एक सेकंड वो बुक ला के लेकर लेंगे। ऑटो कुक है ये बुक में, आप अपना देखे ना फ्रंट पे ना कुछ कोड दिए हुए आपके, ये सारे कोड है आपके, जैसे ये डाइट फ्राई है, आप यहाँ पे देखेंगे ये डाइट फ्राई आपको यहाँ पे लिखा हुआ, अब ये डाइट फ्राई में कोड दिया हुआ आप देखिए, इसमें रेसिपी का नाम कौन सा आपको लेना है। जैसे अभी मैं नॉर्मली जैसे डाइट फ्राई में कुछ, जैसे मैं इडली अगर डाइट फ्राई में आता है, इडली डाइट फ्राई में नहीं होगा, डाइट फ्राई में इडली नहीं होगा, माइक्रो में होगा, माइक्रो में होगा, डाइट फ्राई इडली में तो कैसे पता होगा, चलेगा कि हमें ये माइक्रो में होगा इडली या इडली फिर के लिए डाइट कहीं फ्राई और होगा, दिया होगा कि जैसे आपका, यहाँ पे सोया इडली लगा हुआ है तो एक तरीके से ये इडली माइक्रो में चला जाएगा, ये सोया इडली जो है ना वो माइक्रो में चला जाएगा, मैनुअली भी आप बना सकते हो, आप इसमें कोई सिलेक्ट कर लीजिए, इडली के लिए बता दूंगा आपको, इडली स्टीम वाला चीज होगा ना, तो स्टीम वाला कोई भी चीज होगा तो माइक्रो में जाएगा, चला ले इसको अच्छा, बेटा ठीक है। इसको कुछ मान ट्राई लो दे दो, जैसे हमें मसाला वड़ा बनाना है, इसका कोड दिया हुआ आपका कोड ये DF7, DF7 डाइट फ्राई आप प्रेस करेंगे ना, तो जैसे हमने यहाँ पे डाइट फ्राई प्रेस पहले हमने जैसे कुछ सीधा नहीं करना है, अभी जीरो आ रहा है, डाइट फ्राई प्रेस करना करेंगे, डाइट फ्राई प्रेस अभी रोटेटिंग गोल वाले को रोटेट करेंगे ना तो उसका कोड आता जाएगा। अच्छा तो जैसे हमारा ये समोसे वाला ही है तो वो DF7 सिक्स लेना है, DF6 अच्छा ये यहाँ पे आ ये गया। समोसा के लिए प्री हीट होगा, आप अच्छा स्टार्ट ये करेंगे ना, प्रीहीट होगा अभी, समोसा पहले गर्म होगा उसके बाद ही तो आप डालोगे ना, तो ऑटोमेटिक ये प्री हीट हो जाएगा, आप अगर इसको स्टार्ट करेंगे ना तो ये प्री हीट ले लेगा, ये आपको स्टार्ट भी वेट ले एक सेकंड मुझे जैसे मान ये लो, प्री हीट हो जाएगा अपने आप। अच्छा ये जो डाइट फ्राई वाला कन्वेक्शन वाला ये सब प्रीहीटेड में है, प्री हीट सब में नहीं होगा, जैसे आलू चिप्स बनाओगे आलू चिप्स में प्री हीट नहीं होगा, तो आलू चिप्स के लिए मान लो अगर मुझे छोटे 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 मैंने मटर को कट करके डाल दिया, ठीक है, तो कैसे करेंगे, सीधा ये लिया डाइट फ्राई किया, DF2 सेलेक्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और जैसे ये टू कर दिया और स्टार्ट फिर स्टार्ट कर देंगे सीधा, और हाँ। चिप्स को तुरंत डाल देंगे, चिप्स आप इसके ऊपर भी डाल सकते हो, ट्रे के ऊपर भी डाल सकते हैं, हाँ, ठीक है। डालने के बाद जब स्टार्ट करेंगे ना 5 या 7 मिनट लेगा, 8 मिनट लेगा, 8 मिनट आपको जो आलू चिप्स है रेडी हो जाएगा। इसी तरह से आगे भी दिया हुआ, आगे भी जो अब एक सेकंड मुझे कुछ बना के ना, मैं वैसे ही नॉर्मली, ठीक है, नहीं आप पापर एक बार कर लेना, आप बनाने के लिए आपको कोड दिया होगा, उसमें बनाओगे वो कोई तो भी नहीं, रेसिपी, लेकिन एक एक चीज तो मुझे फिर भी इसका एक रेसिपी ऑटो वो होता है क्या हमारा एलजी मैंने के, ना सुनो सुनो सिग्नल भी 5-7 मिनट तो आप दे ही सकते हो, आप पहले डेमो दे दीजिए कोई, हाँ, आप बना लेना, ठीक है, बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, एलजी का प्री क्लासेस भी होता है, ऐसे कोई इशू नहीं है, प्री लेकिन क्लासेस बच्चा छोटा है ना, मैं जा नहीं आप सकती मैं आपको बता आपको, दूंगा अभी एक, हाँ, पहले आप डेमो समझ लीजिए पूरा, डेमो ठीक है पूरा एक्सपीरियंस लीजिए, डेमो ठीक दे है, डेमो में इसमें आप पहले क्लियर कर लीजिए, और एक दो ऑप्शन है वो देख लीजिए, जैसे कि मुझे अभी मान लो जैसे करेले का बनाना है, ठीक है, करेला सब्जी बनाना है, तो मैं इसमें डाइट फ्राई ही, क्योंकि ये जो सीधा ब्लॉक में दिया गया है वो सारा यहाँ तक है, कॉन्टिनेंटल तक यहाँ पे बिल्कुल, होगा, तो मैं डाइट फ्राई ही यूज करूंगी, और फिर जो इसका करेला सब्जी का है HP3 है, तो ये इसको डाल कोई करने से हो जाएगा, अच्छा तो ये कहाँ तक, काफी ज्यादा करना पड़ेगा, अच्छा नहीं वो
उसके हिसाब से ये चेंज होता जाएगा। नहीं, उसको दो बार प्रेस करेंगे ना, उसमें दो बटन दिया हुआ है, डाइट पे और लो कैलोरी। उसको फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे DF आएगा, उसी को दोबारा प्रेस करेंगे HP आ जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग करेंगे तो स्टार्टिंग में ये वाले आएंगे, अगर हमको नहीं नहीं देखिए इस बटन पे दो लिखा हुआ है, इस पे एक ही लिखा हुआ है, इस बटन के अंदर दो बटन है, इसके अंदर दो बटन है, इसके अंदर एक ही है। कहाँ लिखा है दो बटन है? ये डाइट फ्राई और लो कैलोरी। हाँ, इसमें तंदूर से किड्स लाइट दो दो लिखे हुए। तो फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे DF कोड आएगा, सेकंड टाइम प्रेस करेंगे HP आ जाएगा, वो ऐसे आ जाएगा। अब इसको सेलेक्ट करेंगे ना तो आपका HP का कोड आ जाएगा। मुझे तो मैं डाइट फ्राई पे जाऊँगी और उसके बाद में फिर से मैं इसको करूँगी लो कैलोरी इसके जगह। अच्छा, फिर उसके बाद में मैं HP 3 को करूँगी। आप देखेंगे ना ये माइक्रो का लोगो है। इस बटन के अंदर आप देखेंगे इस तीन टाइप का लोगो होगा, ये आपको पता चल जाएगा कि हमारा माइक्रो चल रहा है। अगर ग्रिल होगा तो ग्रिल में सिग्नल वेव्स आएगा, अगर इसमें कन्वेक्शन चलेगा तो कन्वेक्शन में फैन की तरह निशान आ जाएगा डिस्प्ले में। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा माइक्रो में बन रहा है या ग्रिल में बन रहा है, कन्वेक्शन में बन रहा है, ये आपको आइडिया हो जाएगा। एक बार स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट कर लेना फिर। अच्छा, फिर ये हो गया। उसके बाद में जैसे मुझे पास्ता सिर्फ बॉईल करना है, सिंपल है ना। तो बाकी इसका कैसे क्या होता है ना, आगे मेंशन भी है आपको, अगर आपको अगर देखना होगा ना इसमें, आप अगर जैसे बनाओगे तो कितना एमल क्या डालना है वो तो। हाँ, वो तो मैंने चेक कर लिया, सारा पढ़ी लिया है, लेकिन मुझे जैसे मान लो यही ऑप्शन जैसे आपने 2 टाइम बोला लो कैलोरीज वाला, तो यहाँ पे तो कहीं पे भी लो कैलोरीज का जैसे दे नहीं रखा ना, तो आपने लो कैलोरी का यहाँ पे दिया होगा ना, आप देखिए ये ऐसे ऑब्लिक करके दे रखा है ना, तो हमको नहीं समझ में आया ना कैसे कैसे। तो इसलिए मैं कह रही हूं जैसे दोबारा आपने बोला कि डबल ऑप्शन जो है डबल प्रेस करना पड़ेगा तब आपको सेलेक्ट होगा, जिस पे डबल लिखे होंगे ना। हाँ हाँ, जैसे इस बटन में भी दो बटन है। अच्छा, इसमें आपका एक ही है। एक ही है, ठीक है। जहाँ पे डबल होंगे तो वहाँ पे ऑप्शन के लिए वहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है, दो बार प्रेस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे नॉर्मली पास्ता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाइट फेयर पे ही जाऊंगी। एक बार और एक चीज और चीज देखेंगे, अगर जिसमें आपको वो लेना है ना, ज्यादा दूर है ना, उसको उल्टा रोटेट करेंगे ना। अच्छा, तो भी आपका आ जाएगा, तो भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये वाला है आपका। हाँ, हाँ, तो यहाँ से आपका काफी दूर पड़ेगा। हाँ, उसको उल्टा रोटेट करेंगे ना तो आपको सीधा नीचे से आ जाएगा। अच्छा, ये शॉपकी बता दिया। हाँ, ठीक है ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जैसे ये पास्ता कर रही है, यहाँ पे मैं C1 कर C1 कर लूंगी, ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से मैं स्टार्ट कर दूंगी। इसमें स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ, इसमें आप इसको रोटेट करेंगे, इसमें वेट मांग रहा है, गोल वाला का रोटेट कर रहे हैं। पास्ता की वेट कितनी है? जैसे मान लो अभी मैंने ये किया है तो स्टार्ट नहीं हुआ, अब मुझे वेट के लिए यही वाला करूंगी। तो ये रोटेट करूंगी तो फिर तो वो बढ़ रहा है, नहीं बढ़ेगा ना, आपने एंटर कर लिया ना। अच्छा, स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट कर दिया तो पास्ता में एंटर कर गया। अब ये जो है वेट दिखा रहा है, ये पास्ता की वेट है 100 ग्राम 200 ग्राम। एक सेकंड, मैं इसको क्लियर कर दूं। हां, कर लीजिए। ये हो गया, ठीक है। डाइट टाइम में मैं गई, ठीक है। उसके बाद में मैंने दोबारा इसको ये प्रेस किया। अब मुझे आपने जो ऑप्शन बताया है ये वाला मैं C1 पे कर देती हूँ, ठीक है, ये हो गया है ना। अब उसके बाद में स्टार्ट करना पड़ेगा, वेट दिखाने के लिए मुझे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये दिखा दिया, अब उसके बाद इसका वजन यहाँ से आएगा ना, जो वेट है 100 से 300 ग्राम तक दिया हुआ है। अच्छा, 100 ग्राम से लेकर 300 ग्राम, तो ये जो है 1 ग्राम है, नहीं 100 ग्राम। अच्छा, इसने तो कुछ बता दिया। अच्छा 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 तो ये कितना दे रखा है इसमें पूरा? 300 ग्राम तक है, 100 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक। ठीक है, और फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, तो टाइम लगेगा। फिर ये पूरा 21 मिनट तो समय लगेगा। उसके बाद ये बीप देगा, फिर अपने आप ही बंद हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये तो समझ आ गया। ठीक है, अब जैसे मुझे मुझे जैसे टिक्के के जैसे अभी, चलो पहले आप मुझे ये जो होता है ना प्रीटेड में, आपने ये तो मुझे बता दिया। एक होता है ना कि ग्रिल विद कन्वेक्शन हमें जैसे लेना पड़ता है, तो वो क्या चीज होती है? वो कॉम्बी होता है, कॉम्बी होता है अधिकतर हार्ड रेसिपी के लिए। हाँ, जैसे चिकन है मटन है उसके लिए होता है वो। हाँ, तो उसी रेसिपी के लिए होता है। कैसे, ग्रिल में जैसे हम कई बार चिकन बनाते हैं तो चिकन में क्या होता है, ऊपर से ब्राउन होता है, अंदर से चिकन कच्चा रह जाता है। अच्छा, तो कॉम्बी में क्या होगा, सबसे पहले इसी बटन के अंदर है ये ग्रिल और कॉम्बी लिखा हुआ। फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे ग्रिल आएगा, सेकंड टाइम प्रेस करेंगे कॉम्बी आ जाएगा। अब कॉम्बी के साथ आप क्या लोगे, तो कन्वेक्शन, फिर माइक्रो, फिर आप यहाँ से टाइम डालेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। तो इसको डबल ग्रिल लेके
उसके बाद में फिर इसको दोबारा प्रेस दोबारा प्रेस करेंगे, दो प्रेस करेंगे। अगर ग्रिल विद कन्वेक्शन लेना है तो एक बार इसको करेंगे, ग्रिल विद माइक्रो लेना है तो इसको करेंगे। और फिर ये तीनों भी हो सकता है कि ग्रिल विद इन दो ही चलेगा, दो ही चलता है ना ग्रिल के साथ, कन्वेक्शन ही ग्रिल है ना, दो ही चलेगा। अच्छा तो ये ग्रिल और ये माइक्रो ये किस यूज में आता है? कोई हार्ड रेसिपी के लिए होता है, वो हार्ड रेसिपी नॉर्मल रेसिपी तो आपको बन ही जाएगा। लेकिन नहीं नहीं वो छोड़ो, ये जो हम पनीर टिक्का के लिए जैसे हम लोग बनाते हैं तो उसमें कौन सा सिर्फ ग्रिल यूज? ग्रिल में यूज हो जाएगा पनीर, पनीर तो वैसे ही तो हां वो तो हो जाएगा है ना, वो तो हो जाएगा ग्रिल में आपका हो जाएगा। अच्छा जैसे कुछ वेजिटेबल्स होती है जैसे कि हम लोग कॉलीफ्लावर है या जैसे इनको भी जैसे रोस्ट करते हैं तो वो रोस्टिंग वाला अधिकतर ग्रिल में हो जाता है, बट कई बार अगर जैसे नहीं हो रहा वो चिकन वगैरह में ऐसा टाइम होता है क्योंकि हैवी होता है मोटा होता है उस टाइप को नहीं हो पाता, तो उसी में करना पड़ता है। वो माइक्रो जो होता है ना वो अंदर तक जाता है ना उसका जो बीज, माइक्रो लेके उसमें अंदर जाती है। अच्छा जी जी इडली के लिए मैं आपको सिंपल से बताता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ इडली आपको बन जाएगा, परफेक्ट बनेगा। इडली का कंटेनर आपको ये दिया हुआ है, इसमें ये दे रखा है और एक सेकंड, और ये मेरे पास बैटर भी बिल्कुल तैयार है, इसमें मैं आपको 2-4 मिनट में जाकर बता दूंगा। मैंने ना सर जी प्रिपेयर कर एक ही है इसके साथ, ये दो आया था, एक ही आया था, वैसे दो आते हैं ना, दो आते हैं बोलना पड़ेगा हमको। इसमें इसके नीचे हल्का सा ना स्टीम के लिए पानी डालना पड़ेगा इसमें आपका। अच्छा, इसके साथ एक आपको एक सेकंड मुझे आपको आए हो तो कितना पानी डालो, हमने तो बना के हमने भी कभी देखा हुआ है, वो तो कस्टमर खुद ही बनाते हैं, हमारा तो डेमो होता है। नहीं भैया मेरे ना बच्चे के साथ तो मेरा कभी कभी यूज होगा तो मेरे को सिर्फ ये रेट चार्ज इसके नीचे और हल्का सा स्टीम में डाल दो हल्का सा, इतना से बहुत है पता है, स्टीम इसमें हो जाए और दे दो क्यों कोई दिक्कत नहीं, ये दे दो इसके नीचे होना चाहिए उसको नहीं ठीक है, फिर कर देना जो ये क्लियर करते जैसे जो क्लीन करते हैं उसके लिए क्या करना होता है? वो स्टीम क्लीन का ऑप्शन होता है इसमें। अच्छा पहले चलो इसको करते हैं, इसमें स्टीम क्लीन का ऑप्शन है यहाँ पे। ये SL1 कोड है इसका, स्टीम क्लीन SL1 ही है। स्टार्ट करोगे ना 10 मिनट का टाइम लेगा, जो पानी आप डालोगे ना इसी पानी उसमें जितना पानी है इसी पानी में नींबू काट के निचोड़ देना। हाँ। SL1 सेलेक्ट करके स्टार्ट करेंगे। SL1 कैसे स्टार्ट होंगे जैसे कि हमने यहाँ से कौन से इसी को प्रेस करेंगे, इसको प्रेस इसको रोटेट करेंगे ना। हाँ। तो SL1 आ जाएगा, SL1 ठीक है। और फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे 10 मिनट का टाइम होगा, वो जो नींबू पानी डालेंगे ना वो अंदर मॉइस्चर बन जाएगा, वो बन जाएगा उसका जो पानी का जो मॉइस्चर बन जाएगा, उसके बाद कपड़ा साफ करेंगे। अच्छा इसका बताइए कैसे होता है, बस इसके अंदर डाल दीजिए, डाल दूं 5 मिनट का टाइम डाल दीजिए, हो जाएगा अच्छा। इसको कवर करना पड़ेगा। अच्छा कवर करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डाइट फ्राई में था ना ये? डाइट फ्राई ही माइक्रो में बन जाएगा। अच्छा माइक्रो में बन जाएगा, तो ये 5 मिनट का टाइम है, आपने माइक्रो पे किया ना ये? Thank you.
जैसे हम लोग जो अभी रोटी का बताया था, इसमें रोटी बास्केट वाला जो था, इंडियन रोटी बास्केट जो है, तो उसमें इंडियन रोटी बास्केट को ही स्लैग करके उसमें पूरा है। तो वो माइक्रो में ही बनेगा ना? हाँ माइक्रो में बनेगा। देने को तो भैया हम उसको जरूर खरीदे, कई बार ना एक प्रैक्टिकली जो चीज करते हैं ना उस चीज का अलग असर पड़ता है। और जो ये राइस है ये कैसे, ये माइक्रो पे बनेगा? हाँ राइस माइक्रो में। हाँ तो सीधा हम लोग सीधा जैसे ऑन करके यहाँ से इसको माइक्रो को प्रेस करेंगे ना? माइक्रो बाय डिफॉल्ट माइक्रो होता है। माइक्रो ही होता है, तो सिर्फ सेलेक्ट करेंगे और उसको डालेंगे, टाइम डालेंगे स्टार्ट। टाइम क्या क्या चीज थी माइक्रो पे, ये जो स्टीम वाली और हीटिंग वाली चीजें रहती है वो माइक्रो पे चलेंगे। आप लगे कहाँ है पहले इसको बताओ मुझे। नहीं अभी तो बन जाता है, क्या जैसे कई बार हम कुछ चीजें बनाते हैं इसमें और जैसे पानी बॉईल किया या कोई चीज दूध हुआ है ना, बाय चांस निकल भी जाता है अंदर, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अंदर कोई सर्किट है ही नहीं, नीचे कोई सर्किट नहीं होता, नीचे सिर्फ एक मोटर लगेगा, साइड में होता है सर्किट जो भी लगता है साइड में। अच्छा, फिर भी जैसे होता है ना कि पानी निकल जाता है तो कई बार डर लगता है, इसमें चाइल्ड लॉक भी सिस्टम है ना? चाइल्ड लॉक बट वो काम नहीं करेगा, लाइट जाएगी ना, उसके लिए हमेशा आपको माइक्रोवेव ऑन ही रखना पड़ेगा। अभी जैसे आप जाओगे तो मुझे ऑन ही रखना पड़ेगा इसको? चाइल्ड लॉक लगाएंगे तो। अच्छा लगाएंगे तो। चाइल्ड लॉक अगर लाइट ऑफ चली जाएगी तो आपका वो अपने आप करता अपना काम हो जाएगा। अच्छा ये हो गया, तो अब मैं यहाँ से स्टॉप ले लूँ? हो गया, स्टॉप हो गया, डोर हो सकता है। अच्छा ये लॉक ऑन कर सकते हैं, अभी गर्म होगा ना? हल्का सा गर्म, नहीं हुआ था गर्म। आलू के लिए आपको नॉर्मल माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। आलू को आपको जो भिगोगे, भिगो के पॉली बैग में डाल के आप उसको कर सकते हैं, या जो जैसे कोई ये कंटेनर है इसके अंदर पानी डाल के भी कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं, पानी में भी डाल के भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। उसको खा लेना उस तरह से, दो घंटे दो मेन चीज है ना बस, और ये तो और तो मैंने ऑप्शन सुन लिया, ये मैंने देखा भी नहीं है ना। तो आलू एक भिगो लीजिए, एक कोई आलू भिगो लीजिए, कोई नहीं, आलू दोनों तरह से आप कर सकते हो, आप पानी के अंदर भी डाल कर सकते हो, बिना पानी का भी कर सकते हो। मैंने यही कर दिया, मैं नॉर्मल, इसमें क्या करना पड़ेगा? मैंने जैसे किसी कोई कहता है इसमें होल करना पड़ता है, कोई कहता है हल्का सा होल करना पड़ेगा, वो आपने बताया नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। वैसे पानी में डाल के करेंगे तो होल ही करना पड़ेगा, पानी में डाल करेंगे तो नहीं करना पड़ेगा, अगर वैसे कर रहे हो उसको होल करना पड़ेगा, जो होगा हल्का सा दो तीन जगह कांटे मारेंगे। मुझे पूरा फुल डेमो दो क्योंकि मुझे कुछ नहीं, डेमो हमारे में पूरी देगा, डेमो आप मेरे से पूरा पूछिए, मैं परफेक्ट दूंगा आपको, डेमो के लिए कुछ नहीं है, पर जो कुकिंग होता है ना, कुकिंग का हमारे नहीं होता है, कुकिंग एक्चुअली ऐसी क्लासेस दे रहा है, आपको दो घंटे क्लासेस होता है, फुल क्लासेस होता है वहाँ पे, आप फुल क्लासेस देगा, आपको चाहे केक है पिज्जा है जो भी बनाना होगा, उसमें माइक्रो में ट्रे के ऊपर डाल के आप कर सकते हैं, नहीं एक है तो सिंगल वैसे भी डाल सकते, कोई इसको कोल्ड क्लोज करके दो या ढाई मिनट में आपको मिल जाएगा। अच्छा दो डायमंड, जैसे किसी माइक्रो पे, अब ये तो माइक्रो पे ही होता है, कितना करूँ दो डायमंड, कैसे पता चलेगा इसमें क्या? ये सेकंड है ना आपका? अच्छा अच्छा अच्छा
ये तो डेढ़ मिनट ही हो गया होगा, ढाई मिनट कीजिए आप उसको, बस हो गया बहुत है, तो स्टार्ट कर दीजिए। हाँ तो वही ना, एक से नहीं होता था। अच्छा ये चीज़ ठीक है। जो जो हमारा डेमो होता है, डेमो का मतलब होता है बच्चों को कौन से बर्तन कहाँ पे यूज करना है ये, और ये बटन ये एक्सप्लेन करते हैं। बाकी एलजी से तीन कुकिंग कूपन दिए हैं भैया, पता है ऐसे तो हम लोग सुबह से आपका वेट कर रहे हैं, आपकी वजह से मुझे हॉस्पिटल आना था, मैं नहीं गई थी, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छे से मैं डर के जाना था, तो अब मैं सुबह से वेट कर रही हूँ आपका कि चलो ठीक है आप मुझे दे दो, तो मैं थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा मांगूंगी ना। क्लासेज हमारे यहाँ पे भी है, आपका दिल्ली रोड पे भी है, नेहरू जो वैली रोड पे जो है होस्ट वैल्यू जो शॉप ही है ना, एलजी की शॉप ही है होस्ट वैल्यू, वहाँ पे क्लासेज होता है हमारे एलजी का, जो लड़कियों का कॉलेज नहीं है, कल्याणी हॉस्पिटल है, होस्ट वैल्यू है। और ये जो आपने बताया था ग्रिलिंग का जो बताया था, तो ये किस यूज में आएगा, कैसे ये आपका वही है नान वगैरह के लिए, जैसे मैंने बनाया ठीक है, उसके बाद मैं सीधा इसी में डालूंगी, तीनों में डालता है, तीनों में डाल सकते, दोनों में डाल सकते, एक में भी डाल सकते हो आप, ऐसे रोटेट होगा। हाँ ये रोटेट होगा। अच्छा ये मैं लगा कर दिखा दूंगा आपको। लेकिन जो प्रैक्टिकल होती है वो चीज अलग ही होती है। अब जैसे मैंने सुई की जो पूरा मशीन लिया था, सुई मशीन को लेके उसमें भी पूरा प्रैक्टिकल, उसमें भी पूरा जिग जैग ये वो सारा ही करके दिखाया था। नहीं नहीं जो डेमो है तो परफेक्ट ही देगा, जो डेमो होगा वो तो हम भी बता रहे हैं, डेमो में पूरा डेमो में कुछ नहीं है, आप वहां पे चलेगा ना, डेमो में तो कोई इशू नहीं, जितने भी चीज है कैसे लगाते हो सारा कुछ मैं बता के जाऊंगा। बालकनी के साथ में बिल्कुल टच करके मत लेके जाना, बाहर मत लेके जाना इसको, ऐसे उठा लो गरम हल्का से गरम होगा, देख लीजिए। हाँ ये हो गया ठीक है, अगर नहीं होगा तो थोड़ी सी देर और टाइम बढ़ा देते हैं। ये देख लीजिए ग्रिल के लिए है, ये लगाने के लिए पहले ये जो है ये आपको इन करना पड़ेगा, पहले इसमें पोके वो जो इसमें पनीर वगैरह जो भी लगाएंगे इसे लगा के इसके अंदर ये ऐसे इन होगा, पहले इस साइड इन होगा फिर ऊपर से ये आ जाएगा। हाँ। ये ग्रिल में होगा, अदर मोड में नहीं होगा, ग्रिल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, टाइम आप यहाँ से डालेंगे। अच्छा तो मुझे मान लो पनीर टिक्का ही जो बनाना है तो उसका कोड डाल के मैं प्रेस कर। हाँ ये नॉर्मली भी कर सकते हो ग्रिल में, आपने ग्रिल सेलेक्ट करेंगे ना, ग्रिल सेलेक्ट करने के बाद टाइम डाल के स्टार्ट करेंगे ना, ग्रिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और बाय चांस अगर मान लो कच्चा रहता है तो टाइम बढ़ा लो, बस एक बार स्टॉप करने के बाद टाइम बढ़ा ना। ये इसका हैंडल है निकालने के लिए, क्योंकि आप तो गर्म होगा तो आप इसको निकाल नहीं सकते हाथ से, उसको सिर्फ निकालने के लिए दिया, इसको हैंडल पकड़ेंगे, इसके अंदर दोनों साइड कट बने हुए हैं, उसको पहले हल्का से ऊपर करेंगे, स्लाइड करेंगे, सिर्फ निकालने के लिए। उसके बाद ये जो रैक है, ये दो रैक है आपका, एक लो रैक है, एक हाई रैक है, दोनों का काम सेम है, हाइट का फर्क है, जैसे बैगन वगैरह भूनोगे तो लो रैक पर, शकरकंदी पनीर वगैरह करोगे तो हाई रैक पर। तो जो भूनने का काम है वो किस में होगा, ग्रिल में होगा, ग्रिल में होगा ना। हां ये ऐसे आएगा, कैसे करेंगे टाइम और स्टार्ट करेंगे। मालूम ये हमने जैसे मैंने बैंगन रख दिया, पहले ही रख देता है, माइक्रो मोड पे नहीं होगा ये, नहीं ग्रिल में भूनेंगे, ग्रिल में तो भूनेंगे ना, तो फिर टाइम मान लो तो ये कितना है, 17-18 मिनट कम से कम बैंगन लेगा, 18 मिनट। अच्छा 18 मिनट लेता है। अच्छा तो ये तो बढ़ाते जाएंगे है ना, बढ़ा रहा हूं। हां ठीक है ठीक है, जैसे मान लो हमने कर दिया फिर यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है इसी तरह से वही सेम ये भी है, इसके ऊपर शकरकंदी वगैरह करना होगा तो आप कर सकते हैं, सिर्फ हाइट का फर्क है, क्योंकि इसके ऊपर आपका बैगन आएगा नहीं, ऊपर लग जाएगा, हाइट का फर्क है, तो इसलिए हाइट के लिए जो कोई मोटी चीज है ना उसको कर सकते हैं। अच्छा अच्छा
और कुछ जो मुझे समझ में नहीं आ रहा वो आपको बताएंगे। ऑटो कुक मैंने क्या होता है? ऑटो कुक ये तो है जो अभी हम कर रहे थे, ये पूरा जो ये जो बुक के अंदर है ये ऑटो कुक है, जो कोड कोड के थ्रू। ऑटो कुक का मतलब ये तो होगा कि आपको टाइम डालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कोड सेलेक्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए, टाइम ऑटोमेटिक खुद ही लेता है। और ये तस्तरी सी इसका क्या होगा? ये वाली तो ये उसके लिए है ना, जैसे तंदूरी के जैसे हमने प्लेट का भी है। इसमें टिक्की वगैरह कर सकते हैं, नान वगैरह बना सकते हैं, ये सारी जितनी चीजें है ना, बेकिंग वगैरह कर सकते हो। अच्छा, बेकिंग के लिए एक बिस्किट वगैरह बनाओगे। एक बार हम प्लेटिंग के लिए जैसे बस एक बार कर रही हूं, जैसे हमने केक बनाना है, ठीक है, मैं इसको ले लूं क्योंकि ये लेके करना पड़ेगा क्या? कन्वेक्शन है नॉर्मली, अभी कभी कर सकते हो। जैसे हमने केक के लिए किया तो 180 पे जैसे वहां पे हीटेड करना है, ठीक है, तो मुझे फिर क्या करना था, दो बार इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ये प्रीहीट हो गया ना। अच्छा, उसके बाद ये बीप की आवाज देगा है ना, फिर मान लो मैंने ऐसे क्लियर ही कर देती हूँ इसको, और फिर उसके बाद में जैसे कंटिन्यू रहेगा, प्रीहीटेड आ रही है, उसके बाद में फिर स्टार्ट कर लूंगी ना ये प्रीहीटेड। अच्छा, प्रीहीटेड के बाद में फिर मैं नहीं, ये तो खैर नहीं है, जैसे हमने प्रीहीटेड का हुआ जो 780 पे प्रीहीटेड किया है, तो वो जो उसके बाद बीप करेगा ना, है ना, फिर उसके बाद टाइम दूंगी। बीप करने के बाद आप इसको डोर खोलेंगे। अच्छा, डोर खोले, हाँ, फिर वो सामान रखेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ से टाइम सेलेक्ट करें कितने मिनट के लिए, फिर यहाँ से सेलेक्ट करें, फिर स्टार्ट करना है ना। अच्छा, यहाँ से देख लीजिए, कन्वेक्शन किया, स्टार्ट किया, प्रीहीट होगा, प्रीहीट होने के बाद आप डोर खोलेंगे, ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप, अच्छा, स्टॉप करने के बाद जो आपकी रेसिपी है वो अंदर डालेंगे, डालने के बाद आप इसे क्लोज करेंगे, फिर टाइम यहाँ से टाइम बढ़ा, फिर स्टार्ट। और ये मैक्सिमम टाइम कितना है इसमें? पौन घंटे तक, ये दो घंटे कुछ नहीं होगा, देखेंगे देखा टाइम पहले 99 है। अच्छा, 99 मिनट है आपको ये। अच्छा, 99 मिनट, ओके, और फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और जो ये मैंने अभी रोटी और उसमें भूल गई हूँ, नान के लिए क्या था कि मैं सीधे माइक्रो पे भी कर सकते हैं? नहीं, नान आपका तंदूर उसमें कन्वेक्शन हो जाएगा ना, वो पहले प्रीहीट होगा ना, इंडियन नोटी बास्केट के अंदर। तो इंडियन